बच्चे तो देखो बहुत सारी चीज़ों के लिए मना करते रहते हैं, नहीं हम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक खाना कैसे सीखेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले योशी निशु मना करती थी। निशु को जी कल रात को फिर से फीवर आ गया, क्योंकि कल इसने ना बिल्कुल कहना नहीं माना, घूमी फिरी बाहर खेलने गई, बेटा आज आज और आराम कर, नहीं सुनी पर बात, अभी आराम कर रही, पल दिया काट के उसको खाने के लिए, ये इधर सो रही है, ये भी बोल रही मेरे को और सोना है, 9:30 हो गए हैं, उठ नहीं रही है, एक दो दिन की छुट्टियां और पड़ी हैं, ठीक है सो लेती हैं। राम राम जी, कैसे आप सभी, हम पर जी है दया मेहरबानी, तभी तो कुछ ठीक चल रहा है, पैर का दर्द ठीक नहीं हुआ है। निशु को कल फिर से फीवर आ गया रात को, दिन में ठीक थी, परसों भी ठीक थी, परसों थोड़ा था फीवर पर रात को ठीक हो गई थी, कल दिन में बिल्कुल ठीक थी, तो बिल्कुल ठीक थी तो कोई कहना नहीं माना, खाने पीने में भी कुछ भी खा रही है, केक वेक खाया, बाहर की चीजें खाई, और ऊपर से रेस्ट चाहिए था उसको 2-3 दिन उसकी बॉडी को, पर वो कल पूरा दिन घर में भी खेलती रही बाहर भी खेल के आई है, कभी नतीजा ये है कि उसको रात को फिर से फीवर आ गया, तभी मैं थोड़ा ही पल दे के आई हूँ खाने के लिए, और योशी भी सो ही रही है, वो जगाती हूँ उसको थोड़ी देर पर, पहले मैं अपनी करूँगी पैर की, थोड़ी एक्सरसाइज रहती है जिनसे मुझको आराम है तो मेरा ठीक हो जाता है पहले, फिर बाद में शेयर करूँगी क्या है कैसे हैं, तो अभी वही कर रही हूँ मैं, शाम को भी की थी, दिन में भी जब, क्योंकि अभी ज़्यादा काम वाम तो मैं कर नहीं रही हूँ, झुक नहीं, यूँ तो करना ही है पर मतलब पहले जितना वो नहीं है, तो इसलिए जब दिन में फ्री होती हूँ बैठे बैठे यूँ लगे कई देर बैठे होगी तो तब भी कर लेती हूँ, और इसी तरह से अब करूँगी, पहले एक्सरसाइज करूँगी जी, कुछ खाया नहीं है फिर कुछ खाऊँ, मैं सोची पहले एक्सरसाइज ही कर लेती हूँ, नहीं तो लग तो रही थी भूख, पर ये लगभग आधा घंटा लग जाएगा, 10 बज जाएंगे, फिर करेंगे कुछ ब्रेकफास्ट फ्रूट्स वगैरह, अभी एक्सरसाइज करते हैं। टाइम हो गया जी 11:15, ये लोग अभी तो खेलने के लिए बैठ गई है, कैरम बोर्ड खेलेगी योशी के साथ, और घर को आज अच्छा कराया मैंने योशी से, क्योंकि रोज़ गंदा देखो दिखे ना तो फील होता है थोड़ा सा, हाँ इसने भी हेल्प किया बेड शीट वगैरह ठीक करने में, हाँ ठीक है, बोल बोल के इनसे कराया, जो मैं कर सकती थी खड़ी रह के वो मैंने किया, इसमें लेके आई एक्स्ट्रा नारियल पानी फिर से पी गई, अभी पी के आ गई है, ये मलाई लेके आई, ठीक है इसको खा लेना, ठीक है कब कम है जितना है उतना बेटा है, खा लेना टाइम से, बेटा तो इतना ज्यादा बहुत तो पता भी नहीं होता ना, हाँ दीदी वो मेरे वाली ले ले, मैं तेरी वाली ले लूं, वैसे भी मेरा और है, और जब हम जा रहे थे तो मैंने उसको इतना खुला ले लिया, ठीक अभी इसको पी लेना, ज्यादा देर रखना मत नारियल पानी को, ठीक है हाँ रख ले, और मैं जी अभी एक्सरसाइज की है पैर की, अभी जा रही हूँ नहा के आऊँगी और पैर की सिकाई करूँगी गर्म पानी से, उसके बाद एक ऑयल लगाना है मेरे को, जो दीपिका की मम्मी ने दिया है वो बोले थे उनको भी एक बार पेन हुआ था तो काफ़ी अच्छा ऑयल है बता रहे थे, तो इसको ट्राई करते हो ये वाला है, तो अभी वही सिकाई, दूध रख दिया गर्म, वो योशी को बोल दिया, योशी देख योशी दूध रखा है, रखा तो मैंने अभी, पर बेटा ध्यान रखिए अभी रखा है, स्लो कर दिया गया इसको, योशी को बोल दे वो देख लेगी, ये है जी आज के खाने की प्लेट, आज सब्जी नहीं बनाई, आज बनाई सिर्फ धनिए की चटनी, दही है बहुत सारा, सलाद में खीरा गाजर, केक बचा है कल का तो ये केक ले लिया, ये रखकर, और बटर है और रोटी है, ये आज सीधा सिंपल सा खाना है, तभी करते हैं लंच, टाइम कितना हो गया, टाइम 2 बज गए जी, और भाई इन्होंने तो लगा रखा टीवी में कुछ, देखते देखते खाएंगे, सारों में डालना है ठीक है, तुलसी में भी सब में भी, टाइम हो गया जी 4:45, मेरे को सुबह बोला था कि पानी डाल देना पेड़ों में, अभी डाल रही है, कितनी बार बोल दिया, और कहा था निशु तेरा काम है, ये यहाँ पे बना रही हूँ मैं ड्रमस्टिक की चाय, तो ये वाली अभी बन जाएगी जी, अभी ड्रमस्टिक रख, जो चीज़ होती है ना तो मैं उसी की चाय बना लेती हूँ, मतलब जिसकी बन सकती है, तभी ड्रमस्टिक लेके आए थे हस्बैंड, उस दिन फ्रूट्स लाए थे बहुत सारे,
तो अभी दाल तो ऐसे बन नहीं रही है, तो मैंने सोचा कि चाय बना के यूज कर लो। तो मैंने इसको दिया है अभी खाना, ये खाना खा रहा है। ये थोड़े से बर्तन है धुले हुए, इनको रख लेते हैं, फिर शाम का थोड़ा वही शुरू हो जाएगा। तो पहले तो ये चाय पियेंगे, मिलेट वो कर रहे हैं इनको भूनने हैं, हल्के हल्के भून के। एक काम ये है, एक तो रख दिया और रखे हैं इसमें, तो मिलेट भून के रखने हैं, नहीं तो ख़राब हो जाते हैं ये, वो कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं और भी कुछ। तो ये काम करना है भाई, सब में डालिए ठीक है, आराम से ले जा, गिराता मत जाइए। एक के काम तो तू आराम से कर सकता है बेटा, फिर थोड़ा खाने पीने का देखेंगे कि क्या बनाए, ज़्यादा भूख तो वही है नहीं, पर थोड़ा बहुत कुछ बनाएंगे जी। मैं दरवाजा तो खोल लो, कहीं चेयर अड़ा रखी है रस्ते में तुम लोगों ने। अरे कहाँ गया, आज बाहर वालों में डाल दे बेटा, अभी सूखे सूखे हो रहे हैं, अभी बारिश नहीं हो रही जी, गर्मी रही, धूप है। निशु तो जी कैल्शियम से भरपूर हमारी टी बनकर तैयार है, बट कैल्शियम का ना एक लफड़ा भी रहता है, आप कितना भी कैल्शियम ले लो, अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी है ना, विटामिन डी की, तो कितना भी कैल्शियम ले लो आपकी बॉडी उसको अब्जॉर्ब करेगी ही नहीं, वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए अपनी बॉडी में विटामिन डी पूरा रखो, फिर कैल्शियम लोगे तो वो कैल्शियम लगेगा। और स्लो चलाना। और यहाँ पर मैंने ये मिलेट इधर भून दिया है, हल्का सा भूनना होता है किसको, थोड़ा इतना भी स्लो मत चलाते, थोड़ा धीरे बेटा। और मिलेट का यही है जी, इसको अगर लंबे समय तक स्टोर करना है ना तो इसको भून के रखना ही होगा, नहीं तो ना ये ख़राब होने लग जाता है बहुत जल्दी। तो बस सोल्यूशन यही है कि इसको भून के रखना है, तो अभी थोड़ी देर ही लगती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ी सी देर लगी, इसको भून दिया है। अभी जब ठंडा हो जाएगा तो इसको मैं ग्लास का जो जार है इसका, ये है कौन सा था, फोक्सटेल मिलेट, तो इसको फोक्सटेल जो इसका डब्बा है उसमें डाल दूँगा इसको। निशु बोल रही है मेरे को थोड़ी गर्म ऐसी ये कच्ची वाली मूँगफली भून के दो, ये खाऊंगी मैं। चने रखें, चने नहीं खाने, बट जो चीज़ रखी वो नहीं खानी, चलिए ये दो, ये खाऊंगा भाई। सारे में डाल दिए, ये पानी डालने में ही लगी है, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहा है मेरा बच्चा। बहुत छोटे दाने छोड़ दे बेटा, बिखर जाएंगे, ये गर्म है अभी भी, तो मैं इसको थोड़ा चला रही हूँ नीचे, चल जाए ना, थोड़ी सी भून दूँ तो ज़्यादा ज़्यादा नहीं बेटा, गर्म करेंगे ज़्यादा हम भाई। एक प्लेट मखाने, मखाने थोड़े बहुत भून देता हूँ साथ में। हाँ ठीक है, मैं सोची थोड़े भूनने तवे पे भून दे, कहाँ कढ़ाई रखेगी। अरे गर्म हो गया ये तो ना, तेज़ गैस चलने लग गई जी, जब ही गर्म हो जाए। थोड़े मखाने और रखे वो भी भून दूँगी, काले चित्ते आ गए देखो इतनी जल्दी, हाँ जल गया हाथ, हाँ रेप कूफी करूँगी तो ऐसा ही होगा। एक तो वो वैसे ही गर्म करे, ऊपर से वो अभी गर्म की है तो और वो गर्म है, हा? अभी नहीं खा, ठंडा नहीं हो। ये जी यहाँ पर थोड़े से मखाने और थोड़े से काजू भून दिए मैंने इसके लिए, मेरी चाय भी ठंडी हो गई, मैं भी अभी चाय पीऊँगी, बस ये भून गए। क्या ले रखा मैंने भी देखो भूनने के लिए, उल्टी उल्टी चीज़ें, गिर गया इधर एक मखाना, तो भाई झुकेगा कौन, अब नहीं पता कहाँ गया, कर भाई कर अपना बेड ठीक कर। निशु अपना बेड, ये निशु का ही बेड है जी, पूरे दिन यही लोट मारता है इस पे, तू ही लोट मारे है इस बेड पे सारे दिन, कभी इधर ही किताब पढ़े है ये रख रखी, तेरा बेड है और क्या, निशु बहुत बड़ा है तेरा बेड तो भाई, पर वेरी गुड काम करे मेरे बेड, मेरे भाई ने देखो जी अपना बेड ठीक कर दिया, वेरी गुड, ले खा ले आ जा। तो आप बोली थोड़े चने भी डाल दो, सब कुछ मिक्स करा है, अच्छा इसलिए बेड ठीक किया है, सोते सोते खाएगी, ठीक है भाई सोते खा ले, सो के नहीं खाते वैसे गंदी बात होती है, सो के खाना, बैठ के खा ले फिर वो कर लेना भले ही। ये मेरी थोड़ी सी थोड़ा योशी के लिए, योशी आ जाओ। आज डिनर में बन रही है जी, बहुत सारी सब्जियां डाल दी है मैंने, और इसमें अंकुरित मूंग दाल थी, चने थे, थोड़े से चावल डालकर खिचड़ी बना रही हूँ, कुछ अलग बना रही हूँ। बच्चे तो देखो बहुत सारी चीज़ों के लिए मना करते रहते, नहीं हम नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक खाना कैसे सीखेंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले योशी निशु मना करती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं, हाँ हो सकता है कि आज जैसे पहले थोड़ा खाएंगे फिर थोड़ा और खाएंगे बहुत समझाने के बाद, फिर धीरे धीरे ट्राई करती रहती हैं तो फिर वो अच्छे से खाना शुरू कर देती हैं। तो ये सब इसके लिए वो मना करती हैं सीधा कि सब्जी वाली खिचड़ी नहीं खाएंगे, ओनली चावल दाल की होगी, वो मीठे के साथ या वैसे खा लेंगे, ये मना करते हैं। पर हर बात बच्चों की नहीं सुन सकते क्योंकि हेल्थ का भी मामला है, तो इसलिए मैंने इसमें बहुत सारी सब्जियां डाली हैं। इसमें शिमला मिर्च है, घिया है, बीन्स है, गाजर है और तो हाँ ये सब है, मिर्ची नहीं डाली है जी, हरी मिर्ची डालूंगी, नमक और हल्दी डाल दी, थोड़ा सा घी डाला है। तो इस तरह से बना रही हूँ ये, अभी सिट्टी आ जाएगी। रात के बज चुके हैं जी 10, थोड़ा सा गाढ़ा बन रहा है इधर,
और ये थोड़ी सी मैंने कच्चे पक्की रोटी बनाई है अपने कमर पे बांधने के लिए, बन गई है ऐसे ही। अभी इसको थोड़ी सी सिकाई करूँगी गरम गरम से और फिर बांध लूँगी इसको। और ये थोड़ा सा निशु के लिए गाढ़ा बनाया है, हो रहा है थोड़ा थोड़ा आराम तो जी, बट अभी भी बहुत दर्द है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोई कम्फर्टेबल नहीं होता सब कुछ वीडियो में वो करने के लिए ना, तो सही है चल रहा है बस धीरे धीरे और फर्क और हो जाएगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, ऊपर वाला मेहरबानी रखे तो सब अच्छा ही होगा। तो आज के लोग को खत्म करते हैं, आई होप आज के लोग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। कल फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में। आप सभी को शुभरात्रि, रामचंद्र।